अरब दे सरदार आए काबे दे मतबंदी आए अद्धी रात वेले जड़ वेले मक्की ते मदनी कठे बह गए हजूर दे नाना जी ने अर्ज की लजपाला किधर आए हो हजूर दे दादा जी ने फरमाया मेरा पुत्र अब्दुल्ला है पूरे अरब दे अंदर एडा सोना ना जवान कोई नहीं ना सुनिया तेरी बेटी आमिना जवान है अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी दा रिश्ता लेने आया हूं हजूर दे नाना जी ने अर्ज की लजपाला आमिना अज भी तुहाडी कल भी तुहाडी नबी करीम दे दादा जी फरमान लगे बेटियां दे रिश्ते इंज नहीं करीदे लोग नौजवान दा किरदार पुछदे ने खानदान पुछदे ने कारोबार पुछदे ने तू पुछया भी कुछ नहीं बेटी दा रिश्ता भी पिया देना है अर्ज कीती लजपाला मैं क्यों ना रिश्ता देवा केड़ा बाबा खा विच तुहानू मिलया है अठ दिहाड़े गुजरे ओ मैनू ਯਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਇਹ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੌਵੇ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਜਾਗਦਿਆਂ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीन यत्तबियून रसूल नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजी परवरदिगार ने फरमाया लोग जड़े इत्तबा करदे ने रसूल दी जड़ा नबी भी उम्मी भी है हजरत मुफ्ती अहमदी और खानाइनी गुजराती रहमतुल्लाह ने फरमाने ने फरमाते ने उम्मी उम्मी जो निकले आ ओ मदा माना माए अल्लाह ने फरमाया नबी अल उम्मी अल्लाह ने फरमाया ओ नबी है जड़ा मां वाला नबी है अर्द की दिया ला सारे नबी मामा वाले ने एक नबी ओ भी है जिदा बाप कोई नहीं उस ईसा दी भी मां है सारे नबी मामा वाले ने अर्द की दिया ला पर कमली वाले दा तारफ इंज क्यों कराया फरमाया अर रसूल नबी अल उम्मी फरमाया ए ओ रसूल है जड़ा नबी अल उम्मी है जड़ा मां वाला नबी है अर्द की दिया ला इंज क्यों पिया फरमाना है अल्लाह फरमाए जग वाले हो जिवे नबियां च मुहम्मद वरगा नबी कोई नहीं मामा विच आमिना वरगी मां कोई कोई ना जेंज दी मां भी ते कोई नहीं ला जिंदाबाद 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 ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है कायनात दी उस अजीम मां दा जिक्र छेड़न लगा जिन्हें सानू अज मिलाद वाला रसूल अता फरमाया ग्रामीय कदर हजरात आओ चलियो समाद दे वेड़े अल्लाह ने फरमा अन नबी अल उम्मी फरमा जी में नबियां विच मोहम्मद वर्गा नबी कोई नहीं मामा विच आमिना वर्गी मां कोई नहीं अज उस मां दा जिक्र मैं छेड़न लगा ग्रामीय कदर हजरात मामा ते सारी आदमता वालियां जे मेरी ते तुहाडी मां दे कदमा थल्ले जन्नत हो सकदी है ते जड़ी होवे मोहम्मद दी मां उस मां नु अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया कि जिन मुहम्मद दी मां बनन दा शर्फ हासिल है अज किसे दे शाजी अज किसे दा बच्चा कुरान हिफ्ज करे ना 3 साल च कुरान हिफ्ज करे ओ मिठाई वंडदा है ओ महफिल करांदा है ओ देगा पका के तकसीम करदा है लोग पूछन क्यों ते कहंदा यार मेरे पुत्र ने कुरान च सीने दे विच ना कुरान नु अपने महफूज कर लिया अल्लाह ने हुन मेनू नूर दा ताज पाना सिर ते मेरे आका फरमाया हाफिज दे कुरान दे मां बाप दे सिर ते अल्लाह इंज दे नूर दे ताज पावेगा कि कयामत नु नबी पुछणगे या अल्लाह ए केड़े नबी ने अल्लाह फरमाएगा गिरोह अंबिया ए नबी नहीं ए हाफिज दे कुरान दे मां बाप ने ते यार साडा पुत्र 3 साल च कुरान हिफ्ज करे ते रब सानू ते नूर दे ताज पावे ते जड़ी मां ते पुत्र दे सीने ते 3 साल कुरान नाज़िल हुंदा रहया
उस मां रब कुरान कयामत केड़िया शाना ते अदमत अता करेगा। मावा ते सारे दिया बड़िया शाना वालिया पर कायनात दे अंदर इंज दी मां कोई नहीं, इंज दी मां कोई नहीं जिवें मुहम्मद अरबी दी मां है। आइए अज उस मां दा तज़किरा छेड़िए, मेरा दिल करदा है पहले तर्जमा हजरत पीरे बाहू कोलो ना करवा के देवा। थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ नहीं चुकना मत कि तेरे को शहीद ना हो जाए। होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अरबा दे सुल्तान ने फरमाया पे बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा साल बाद आया नबी दा उम्मती होते सानू नाज है। गल सुनावा कबर च किन्ने सवाल ने बोलो खुल के बोलो। तीन ही ने तीन सवाल कबर। पहला सवाल होना मर रब तेरा रब केड़ा है। आखना जी रब अल्लाह मेरा रब अल्लाह है। आख्या मां दीनू की तेरा दीन केड़ा है। पहला सवाल ही एडा जरूरी सी, दूसरे दे ते लोड़ ही नहीं सी। रब केड़ा है इतना बड़ा सवाल, तेरा रब केड़ा? आख्या रब अल्लाह मेरा रब अल्लाह है। नाल ही दूसरा सवाल आ गया मां दीनू की तेरा दीन केड़ा है। आख्या दीन अल इस्लाम, दूसरा भी सवाल एडा वड्डा कि तीसरे दी लोड़ ही नहीं सी। नाल ही तीसरा सवाल आ गया पहले दो दे जवाब ठीक दिते सन, जान छुट जानी चाहिए सी। पर नाल ही तीसरा सवाल आ गया महबूब सामने खड़े बारे तेरा की ख्याल है? जे माज अल्लाह आखे हा हा ला अदरी हाय हाय मैं नहीं जानता ते आखे मेरे वर गई सी ते तुहानू पता फिर की होना? दोज़ख दी खिड़की खुल जानी बाएं तरफ तू ते जे आखे हुवर रसूलुल्लाह मर के पहुंचा हूं यहां इसे दिल रुबा के वास्ते फिर जन्नत की खिड़की खुल जानी। बाद वेली कहते नहीं जी नहीं नबी कबर च किवें आ सकदे? एड़ी दूर मदीना ते कबर पाकिस्तान ते नबी कबर च ते नाल एक नबी केड़ी केड़ी कबर च आवे? एक टाइम च होर किनियां दुनिया च कबरां बनदियां? सच्ची दसो ओ जिहड़े कबर च सवाल पुछण फरिश्ते आउंदे ने ओ भी ते दो ही ने। जे कोई आखे नहीं जी मदीना ते बड़ी दूर है पाकिस्तान की कबर च किवें आ गए? मैं ये भी मसला आसानी ना हल कर देवां। वो जड़ी खब्बे पासे दोज़ख की खिड़की खुलदी है जे जवाब ठीक ना देवे ते जे ठीक देवे ते सज्जे पासे जन्नत की खिड़की खुलदी ते जन्नत सत आसमान तो उपर है ते दोज़ख बाज़ रवायात दे मुताबिक सत ज़मीना तो नीचे वे ते जिहड़ा रब एडी दूर दी दोज़ख या एडी दूर दी जन्नत कबर च लिया सकदा ओ आ मदीने कमली वाला नहीं कबर च लिया सकदा।
भाई वो रब फिर इस चीज ते कादे ने ना कि कमली वाले नु भी कबर च ले आवे मगर ये चुके मेरा मौजू नहीं जदो आया ना तीसरा सवाल आख्या मा कुम तकूल फी हक के हाजर रजुल आ महबूब दे बारे की ख्याल है मैं ते तुसा दे पुकार के कहना या ना सी ऐसे कमली वाले दे गुलाम उसे वेले चलना दी खिड़की कबर च खुल जानी है एक जद कयामत दी आड़ा आना है अल्लाह मेनु तानु पुछना कौन असा कहना मोहम्मद गुलाम अल्लाह ने फरमाना जड़े मोहम्मद गुलाम ने आओ जन्नत दी अठ दरवाजे खुल के जिदे जो दिल कर दे गुजर जाओ नौ जवानों कैसा मंजर होवेगा बसरा वाले हो जद कयामत दे माशर दा मैदान होवेगा सैयद आमिना हुरा दे जुर्मण ची होण गियां के अल्लाह फरमाएगा कौन है ते सैयद आमिना कहण गियां वे माशर दे मालिक आ सारे जिदे गुलाम ने मैं ओदी मां मैं ते तुसी आखे गुलाम ते सानू रब दे वे जन्नत ते जड़ी आखे मैं मुहम्मद दी मां वा भाई उस मां मैं पता क्यों ये शान बयान करन लगा ये मौजू क्यों सुनावन लगा अज कुछ लोग इंज दे पैदा हो गए ने जिन्हें अपनी किताबां च लिखिया ते तकरीरां च बयान कीते उन्हें आख्या माज़ अल्लाह नबी दे मापे मुसलमान नहीं वो कहते नबी दे मापे ते हजूर दे बचपन च फौत हो गए उन्हें कहड़ा नबी दा कलमा पढ़िया वो माज़ अल्लाह नबी दे मां बाप दे ईमान ते शक कर दे वो कहते ने नबी दे मापे माज़ अल्लाह मुशरिकीन सन वो बुतां नूं सजदे करदे सन मैं इस वास्ते हुण तुहानूं कुरान ते हदीस चों दसण लगा वो यार वो मां जिन्हों कमली वाले दी मां बनन दा शर्फ हासिल होवे तुसी पिंड ते देहात दे रहन वाले हो मैं भी देहाती बंदा मैं सादा करके अर्ज करा बाबा सवेरे डेरे तो दुध लेके आवे ना ते लिया के माई साहब नूं देखिया कि आ दुध रख लो ते माई ने जिहड़ी काढ़नी विच दुध काढ़ना हुंदा ना उहनूं 10 वारी कलमा पढ़ पढ़ सवेरे धोंदी है ते बाबा पुछे ना ये बर्तन इंज कलमे पढ़ पढ़ क्यों धोनी होती है कहें दुध रब का नूर होंगे ना ये तो दुध गर्म करना तो इन्हू मैं पाक कर लवा तो पिंड की माई नू पता दुध रब का नूर है पाक भांडे च रखना है ते रब नू नहीं सी पता मैं अपना नूर केड़ी मां विच रखन लगा रब ने उस मां नू कितना को पाक किया होगा जिद च रब ने मुहम्मद का नूर रखना होगा उस मां नू कितना को अल्लाह ने पाक किया होगा मेरी मिल्लत दे नौजवानों सुनो कुरान ओ मां जिदे विच मुहम्मद वसदा होवे इत्थे सुभान अल्लाह उहने कहना जिहड़ा अपनी मां नाल प्यार करदा है और मेरा कुलिया याद रखियो बसरा वालियो जे कदे जिंदगी च किसे नू वेखो ना कि नबी दी मां दा अदब नहीं कर रहा ते समझ आया जे अपनी मां का भी नहीं करता जिन्हों अपनी मां दे अदब दा पता ना होए उन्हों मुहम्मद दी मां दे अदब दा की पता होए मुहम्मद दी मां दा अदब ओही कर देने आ सुन्नी मामा दे चमकदार पुत्रां दे चेहरे ओ जिहड़े अपनी मां दा भी अदब कर देने मुहम्मद दी मां दा ओ तो वध के अदब कर देने जिस मां ने सानू मिलाद वाला रसूल अता कीता तो गिरामी कदर हजरात सुनिए उस मां दी अदमा च कुरान अल्लाह ने रिजा फरमाया व तवक्कल अलल अजीजिर रहीम अल्लजी यराक हीन तकूम व तकल्लुबक फिस साजिदी परवरदिगार ने फरमा कमली वाला मैं तेनों भेज दई ना चरे जेड़े मेरी जात नु सजदा करदे रहे ने लोग कहंदे ने नबी दे मापे मुशरकीन ने अल्लाह कहता है ना मुशरकीन ना कह फरमाता बात कल्लो मैं कभी साजिदी मौलवी कहता है नबी दे मापे मुशरकीन ने अल्लाह फरमाता मुशरकीन नहीं साजिदीन ने अल्लाह फरमाता आदम तो लेके आमिना तक तेरा नूर जिदे जिदे च भेजिया उते सजदे ही मेनू करदे रहे ने उते साजदीन सन उते सजदे ही मेनू करदे रहे गिरामी कदर हजरात ओ मां जिन्नू मुहम्मद अरबी दी मां बनन दा शर्फ हासिल एक दिन ना मेरे नबी नू जख्म आए जंगे ओहद च खून निकलिया मेरे नबी दा
सहाबा ने खून कट्ठा कर लिया। एक रवायत आंदा कि जो मेरे नबी ने पछने लगवाए ना अपने जिस्मे अकदस ते ते खून मुबारक निकलिया। सहाबा ने एक प्याले चो खून मुबारक जमा कर लिया। उहदे मैदान च मेरे नबी दा होंठ मुबारक जख्मी होया ना, जो दंद मुबारक थोड़ा शहीद होया, और ये ना समझा जो होरे दंद निकल गया, नहीं नहीं दंद निकल जे ऐब होंदा है ते नबी बे ऐब होंदा है, जिहदे विच ऐब होवे उह ते नबी होंदा ही नहीं, है ना, ते होवे अखों काणा। भाई एक काणा होवे ते आखे मैं नबी हां, माज़ा मशहूर है ना आवाम च नबी पाक दा दंद मुबारक शहीद हो गया, नहीं दंद मुबारक शहीद नहीं होया, बल्कि सिर्फ दंद मुबारक दा एक छोटा जिहा कोना उतर गया, पर उदना फर्क है पिया कि सहाबा फरमाते ने नबी पाक दा हुसन होर दुबाला हो गया कि जदों नबी पाक मुस्कुराते होंदे सन ते उत्थों नूर दी लाट निकलदी होंदी सी। रब अपने महबूब च ऐब बर्दाश्त नहीं करदा, याद रखियो, अगर मैं देते बहस कीती मैनूं वक्त दरकार है। नबी च ऐब नहीं होंदा ते ऐब वाला नबी नहीं होंदा, ते होवे काला कोजा काना तरीसा करे मेरे नबी दिया, धी आखे ना लगे, पुत्र आखे ना लगे, बीवी आखे ना लगे, तरीसा ओदिया करे जिदे चन भी आखे लगता है, सूरज भी आखे लगता है, अखों ही काना। एक बत्ती वाला ट्रक रात नूं सड़क ते आ जाए ना ते ट्रैफिक पुलिस ओहदा चलान कर देंदी है, जिथे एक बत्ती वाला ट्रक नहीं चल सकता एक अख वाला नबी चल सकता है। लाहौर इछड़े दिन एक बहुत बड़े मुनाजिर गुजरे ने इमामुल मुनाजरीन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर इछड़ भी रहमतुल्लाह अलैह, तहरीक वाले साथी कह रहे सन साडा पैगाम भी है, तुहाडा पैगाम जा रहा भाई ते नाल साडा भी इकट्ठा है, साडा तुहाडा को दोत नहीं नाल अलहम्दुलिल्लाह भाई। मौलाना उमर इछड़ भी रहमतुल्लाह अलैह दी मर्ज़ी दे नाल मुनाजरा हो गया ते आपने नु कुरान हदीस ते बड़े दलाल दिते, मनना ही ना, हुण जिहड़ा ना मन्ने उहदा बंदा इलाज की करे। बाबा जी फिर पंजाबी भी सन, बाबा जी हो गए सिद्ध, आपने फरमाया सोना मर्ज़ईया आ जिहड़ा तेरा झूठा नबी है अख तू काणा है, अल्लाह कुरान च फरमांदा काणा काफिर है। ओ मुसलमान भी हैरान ते मुनाज़िर भी हैरान ते सारे लोग भी हैरान, कुरान च किथे लिखिया काणा काफिर है? मिर्ज़ईयां दा मुनाज़िर कहन लगा जे कुरान तो साबित कर दियो काना काफिर है ते मैं तुहाडे नबी दा कलमा पढ़ लवांगा। फरमाया तैयारी कर, मौलाना उमर इछड़वी ने सारा मजमा तैयार कर लिया, तैयार करके ते आपने फरमा सुनो भाई हुण कुरान। आप पुराने बुजुर्गों उलमा नूं ते बच्चों नूं पता है, बच्चों नूं बुजुर्गों नूं कि हजरत मौलाना उमर इछड़वी रहमतुल्लाह कुरान पाक बड़ा लज्जत नाल बड़ा मजे नाल पढ़दे सन, उन्हां फिर कुरान दी इक आयत पढ़ी आप अपने अंदाज फरमान लगे अल्लाह फरमांदे कुरान करे मुहम्मद अरबी दिया कदे हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, ये तो है ही काना काला कोजा, रब्बे काबा दी कसम है कदे जन दा टुकड़ा भी होंदा असा मुहम्मद दे जोड़े तो वार के सुट देना से।
चलो उच्चा सुभान अल्लाह बोलो हम वापस चलिए मिला अल्लाह जो खून मुबारक चूसिया जिस दिन मक्के वाले आपने सूली चढ़ाया सी उस दिन भी आप दे मुंह चू अंबर ते मुश्क दी खुशबू आंदी सी नबी पाक ने पछने लगवाए थे खून इकट्ठा होया थे एक सहाबी ने हुजूर ने मालिक बिन सिनान हजरत अबू सईद खुदरी दीवाले तो बुला के फरमाया ऐ खून ले जा ते किसी ऐसी जगह रख के आ जिथे किसी दी नजर ना पवे सहाबी रसूल हुन खून लेके जा रहे ऐसे ही सैयदजादे बैठे 15 सदियां बाद सानू सैयद मिल जाए ना ते असी ओदे कदम चूम लेने आ हाथ चूमने आ कुर्बान ते वारी वारी हो जाने क्यों एदे विच नबी दा खून है भाई एदे विच नबी दा खून है सैयदजादे ने ते ਜਿਹੜਾ ਤਲੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਐਡਾ ਪਾਕ ਖੂਨ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਡੀ ਤੇ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਰੱਖਾਂ ਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ 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 ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਆ ਉਹ ਫਤਵਾ ਹੀ ਦੇ ਅਬੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸੂਫੀਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀਏ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖੀਏ ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਸ ਜਹਾਨ ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਜਹਾਨ ਚ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਕੋ ਫਤਵਾ ਹੀ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਐਡੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਹਾਬੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਲਾ ਲਗਾਇਆ ਲੱਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੀ ਗਏ ਖੂਨ ਰਸੂਲ ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮ ਨਾਇਰਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਸਰ ਨਾਇ ਕਾਬਾ صحابی رسول خون نبی پی گیا گئے علماء تشریف فرما نے پوچھو خون پینا حرام ہے اللہ نے فرما کسے دا خون نہ پیا جائے مگر وہ خون نبی پی گیا گئے میرے آقا دے سامنے آئے میرے آقا نے فرمایا خون رکھے آئے عرض کیتی کملی والے اوتھے رکھ کے آئے کسے دی نظر نہیں پوے گی مسکرا کے میرے نبی فرمایا مینو پتا تو میرا خون پی آئے عرض کیتی کملی والے کی کردا ایڈی پاک جگہ ہی نہیں لبھی کتھے نبی دا خون رکھ کے آوا میرے آقا فرمایا لوگوں کسے جنتی ویکھنا ہے ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀ ਖਾ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ ਜਨਤੀ ਹੈ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਟੁਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਤਖ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸਰਾ ਵਾਲਿਓ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇ
सुभान अल्लाह जिदे विच नबी दा खून हो ते जनती है ते जिदा खून नबी दे विच उस मां दी अज़मत जिदा खून ने नबूवत दे वजूद दी परवरिश कीती होवे उस बाप दी शाना नु कौन बयान करे मैं तेनु इंज पढ़िया करना रहवा जई छा कोई नहीं रहवा सारे जग विच मां कोई नहीं ओ मां जिन्नू मुहम्मद दी मां बनाउ जा शरफ हासिल है ते जिदे बाप दा नाम अब्दुल्ला होवे ते मां दा नाम होवे आमिना अब्दुल्ला दा माने अल्लाह दा बंदा ते आमिना दे तीन माने ने आमिना दा माने अमन वाली वो मन दखलहु काना आमिना आमिना दा माने अमन वाली आमिना दा माने अमानत वाली ते आमिना दा माने ईमान वाली अच्छा बाप दा नाम अल्लाह दा बंदा ते मां दा नाम ईमान वाली ते जेड़ा फिर ओना दे ईमान ते शक करे ओदे ईमान दे पल्ले की रह जांदा हुण लै चलां उस मां दे वेड़े भाई कोशिश करो सुभान अल्लाह निकल जांदी अजे ते मैं शुरू होया ਇੰਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੋ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਜਾਓ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮਦੀਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਮਦੀਨੇ नबी करीम दी अम्मी जान हजरत आमिना दा बचपन है मदीना ते आबादी गली च अचानक शोर मचिया सौदा बिनते जहरा आ गई सौदा बिनते जहरा आ गई सौदा बिनते जहरा आ गई हुने सौदा बिनते जहरा कौन है ए अरब दी बहुत बड़ी आलिमा फाजिला नजूमी कहना औरत हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस दी है रंग काला अखियां नीलियां ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀਰਤ ਹਲਵੀਆ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨੋ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕਿ ਹੋਈ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਨੀਲੀਆਂ ਕੋ ਮਨਹੂਸ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਜਾਹਲ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਫਨ ਕਰ ਗੁਲਾਮ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇ ਗਿਆਬੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ तीसरी मरतबा जद दफन करन लगा ते आवाज आई ना मारी नहीं पाली जांदी ते रख जा असी पाल लवांगे उस गुलाम नु ख्याल आया बच्ची को नसीबा वाली है गुलाम इस बच्ची नो घर ले गया नो पाल के जवान कीता बच्ची जवान होके बहुत बड़ी आलिमा फाजिला बहुत बड़ी कहना नजूमी औरत बनी हाथ दिया लकीरां वेख के तकदीरां दस दी है नौजवान कदे कदे मदीना तैयबा आउंदी है शोर मच जांदा सौदा बिनते जहरा आई लोग अपने बच्चे लेके कितारां च खड़े हो जांदे ने हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस दी है एक दिन सैयदा आमिना बचपन च पईआं खेलदियां ने आवाज आई सौदा बिनते जहरा आई है लोग अपने बच्चे लेके कितारां च खड़े हो गए सैयदा आमिना भी खड़ियां हो गईं जदों सैयदा आमिना दी वारी आई हाथ दियां लकीरां वेख के रो पई कहण लगी लोगो बच्ची कौन है लोगों ने आख्या वहाबी नबदे मुनाफ दी बेटी आमिना है कह लगी हादी नजीरा औतुली नजीरा कह लगी मेरा इलम कहता है कि बचिया आप नबी बनेगी या किसे नबी दी मां बने जिंदाबाद
सैयद आमिना ने बचपन ची लोग वेख के कहंदे सन आमिना किसे नबी दी मां बनेगी। बचपन ची मशहूर हो गया। इधर सैयद आमिना मदीने च ते उधर हजरत अब्दुल्ला मक्के च जवान हो गए। हुन हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन कि एक मिस्र दा यूसुफ है, हिजाज़े मुकद्दस दा यूसुफ, ओ अपने बाप दिया अखां दा तारा ते अपने बाप दिया अखियां दा तारा, दोवे बाप दे लाडले, ओ अपने बाप दी अखियां दा ते अपने बाप दी अखियां दा तारा। हजरत अब्दुल्ला जवान होए ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कितने ख्याल आया कि पुत्र जवान हो गया दी शादी भी करनी किथे करा। आप फरमाते ने सरात में हतीमे काबा दे अंदर ना तवाफे काबा करके लेट गया, अख लगी सोना जा बाबा ख्वाब विच आया ते बाबा जी फरमान लगे सवेरे जो उठे ना ते अपने पुत्र अब्दुल्ला नु लेके मदीने आ जा, उथे एक वहा बिन अब्दे मुनाफे ओदी बेटी आमिना जवान है ते अपने पुत्र दा रिश्ता आमिना नाल करके आओ। हजूर दे दादा जी दामन ख्वाब च पकड़ लिया ते फरमाते ने बाबा जी तुसी कौन हो। आपने फरमाया मैं रब दा नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम। नबी पाक दे दादा जी फरमाते ने हजरत अब्दुल इब्राहिम ते चले गए, मैं सवेरे उठया ते अपने पुत्र अब्दुल्ला नु नाल लिया, मक्के दे उमरा रुआसा कुरैश दे सरदार नाल ले आगे मदीना तैयबा ते आके मदीने पुछया ए वहा बिन अब्दे मुनाफ कौन है। याद रखियो आ जेड़ा नबी पाक हिजरत करके बनू नजार मोहल्ले च आए सर ना, हजरत अबू अय्यूब अंसारी दे मोहल्ले, बनू नजार मोहल्ला नबी पाक दे दादा जी दा नानका मोहल्ला सी। नबी पाक दे दादा जी बचपन च यतीम हो गए ते आप दी अम्मी हजरत सलमा नबी पाक दी पड़दादी अपने पुत्र नु उंगली ना लगाया ते मदीने अपने पेखे आ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक दे दादा जी अपने नानके पले मदीना तैयबा, बचपन तो सारे मदीने वाले वाकिफ सन। आपने जदों आके पुछया ना कि वहा बिन अब्दे मुनाफ कौन है तो लोगों ने अर्ज की हजूर ये तो बचपन के यार वहीब का छोटा भाई ओ नाम है वहब। हजूर के नाना जी दो भाई सन वहीब और वहब। नबी पाक दे दादा जान टुटे टुटे जब आए दरवाजा खड़काया ना नबी करीम दे नाना जी ने बड़ी औकात की थी बड़ी खिदमत तवादो की थी। अरब दे सरदार आए काबे दे मतवली आए सोना जवान कोई नहीं ना सुनिया तेरी बेटी आमिना जवान है अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी का रिश्ता लेने आया। हजूर दे नाना जी ने अर्ज की लजपाला आमिना अज भी तुआडी कल भी तुआडी नबी करीम दे दादा जी फरमान लगे बेटियां दे रिश्ते इंज नहीं करी दे लोग नौजवान दा किरदार पुछदे ने खानदान पुछदे ने कारोबार पुछदे ने तू पुछया भी कुछ नहीं बेटी दा रिश्ता भी पिया देना है। अर्ज कीती लजपाला मैं क्यों ना रिश्ता देवा जेड़ा बाबा खा विच तुहानू मिलिया है अठ दिहाड़े गुजरे ओ मैनू भी मिलिया। किसी का रिश्ता पिंड का चौधरी करावे तो किसी का रिश्ता पिंड का कमी करावे। नबी करीम की अम्मी का रिश्ता उन्हें कराया जिहड़ा 70,000 नबियां का दादा है। जद्दुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम और रब का लाडला नबी के जिदे बाद जितने नबी आए सारे हजरत इब्राहिम की नस्ल चो हत्ता के नबी पाक भी हजरत इब्राहिम की औलाद में आए। ओ ओ ओ बाबा रिश्ता लेके आया उस मां दे पख्त वेख जिदा रिश्ता नबियां दा इमाम करा दे। ओ जड़ा जद्दुल अंबिया नबियां दा दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम रिश्ता लेके आए। नौजवानों उसे मजलिस च बैठा वक्त दे रिवाज दे मुताबिक निकाह पढ़ दिता गया। जेड़ी परात दा दुल्हा अब्दुल्ला होवे ते दुल्हन आमिना होवे शाजी पराती ते फिर को फरिश्ते ही बन के आए होंगे।
जिथे नबी का मिलाद होता सुनी सुभान अल्लाह कह के जाते सैयदा आमिना फरमा दिया फिर मैं दुल्हन बन के मक्के आई क्योंकि कोई किसे दरबार दा सज्जादा नशीन कोई किसे दरबार दा सज्जादा नशीन नबी पाक दे दादा जी काबे दे सज्जादा नशीन नौजवान दिन भी खुशियां रात भी खुशियां पर कातबे तकदीर कुछ होर ही मंजूर सी निकाह नूं 3 महीने गुजरे एक दिन हजूर दे दादा जी घर आए थे हजरत अब्दुल्ला ने बिठा के फरमा पुत्र मेरे दस पुत्र ने तू दसा चू सब तू छोटा है सब चू सोना है सब तू लाडला है पर पुत्र हूं तू जवान है शादी शुदा है कारोबार ना करिए सिर झुका के अर्ज की सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आया अर्ज की बाबा जी हुक्म होवे मैं तैयार हाँ मैं कारोबार करांगा जो हुक्म होवे नबी पाक दे अब्बा जी सन मिलाद सुनने वाले नौजवानों आज ते बाप रोंदे ते मामा कुरलांदी आज ते नौजवान दा एक ही मनशूर है दम दा दम ना तो खाना गम कमाएंगे अब्बा जी खाएंगे हम है ना बाप ते बोझ बन गए नौजवान सारी रात इंटरनेट ते गुजार के ते सारा दिन सुत्ते रहते मामा रोंदियां वल्ला बिल्ला तल्ला मिंबरे रसूल ते बैठा मावियां बटेरी आके रोके कंदियां असी सब को तवीज लिख दे पुत्र काम ते नहीं जांदा रो रो के मैया आके कंदियां असी सब कितने दिन हो गए ने अज खर्च पक्का भी कुछ नहीं ते पुत्र इंटरनेट ते सारी रात गुजार ली इस घर को आग लग गई घर के चिराग से पर नबी पाक दा मिलाद आउन वाले हो याद रखियो जदों मेरे नबी दे अब्बू जी बचपन च हजूर दे आवन तों पहले शहीद दुनिया तों विसाल कर गए ना मेरे नबी यतीम पैदा होए ते चाचे ने पालिया ते मेरे नबी चाचे दे घर गए ते पता लगा चाची दे ते अपनी औलाद बड़ी है ते मेरे नबी चाचे ते बोझ नहीं बने डंगोरी पकड़ी ते बकरियां चारण तुर गए मिलाद वाले नबी ने सबक दिता कि मैं ते चाचे ते बोझ नहीं बनया तुसी अब्बू ते बोझ बन जांदे हो ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों कितने बाप ते बोझ नहीं बनना नबी पाक दे अब्बा जी दी सीरत देखो बाप ने अर्थ बाप ने फरमाया बेटा को तिजारत को कारोबार अर्थ की थी बाबा मैं हाजिर हां फरमाया आ तिजारत दा काफिला पुत्र मुल्के शाम जा रहे मेरा दिल करदा इस साल काफिला तुसी लेके जाओ शादी नो जे 3 महीने गुजरे ते हजरत अब्दुल्ला मुल्के शाम दी तैयारी कर ले सैयद आमिना रो रही है करीब आके फरमा लगे आमिना रो ना मैं 3 महीने दे विच वापस आ जावांगा 1 महीना मुल्के शाम जांदियां 1 वापस आंदियां 1 मुल्के शाम गुजारांगा 3 महीने बाद मुलाकात हो जाएगी हजरत अब्दुल्ला मुल्के शाम जा रहे उधर सैयद आमिना नु उड़ीकां पहले देने लग गईयां नौजवानों रस्ते दे गुजर दिया ना मदीना तैयबा दी बस्ती आई ते हजरत अब्दुल्ला नु ख्याल आया कि मेरे ससुराल भी ने ते नानके भी ने ते थोड़ी देर रुक ना जावां आप रुक काफिला मुल्के शाम चला गया अजे मैं साढ़े दौर च कोरोना दी वबा फैली ना ते डेंगू दी बुखार दी वबा अल्लाह सारे नु महफूज रखे उस दौर च बुखार दी वबा फैली सी हजरत अब्दुल्ला मदीने रुके ते आप नु बुखार हो गया इस शिद्दत दा बुखार होया कि 25 साल दी जवानी विच 3 महीने शादी नु गुजरे ते हजरत अब्दुल्ला मदीने फौत हो गए उधर सैयद आमिना इंतजार कर रही है नानके ते ससुराल वाले मदीने ही कब्र बना दीती नौजवानों जब खबर मक्के पहुंची तो मक्के को हराम मच गया
ਸਿਗਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟੀ ਆਮਿਨਾ ਰੋਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ। ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਦਾ ਸਬਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬਰ। ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਆਮਿਨਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ। ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਸਾਡਾ ਬਦੁੱਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ। ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਗਸ਼ ਖਾਉ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੇ ਕੇ ਪਈਆਂ, ਆਰ ਤੇ ਖੜੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਲੈ ਆਏ, ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਲਾ ਦੇ ਪਤਨੂ ਚੁਕੇ ਫੁਹਾਰਾਂ ਉਜਰੀ ਪਸਤੀ ਨਦਰੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਡਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਡਰਦੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਜਾਵਨ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਉਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਆਮਿਨਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਦੁੱਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾ ਬਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਾ ਲਾ ਆਮਿਨਾ ਜਵਾਨ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆਵਾ ਜਾਏ। ਕਾਬੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੋਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ। ਅਸਾਂ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਖਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਮਿਨਾ ਬੇਟੀ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਦੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਖੀ ਆਈ ਜਾਣ। ਸੈਯਦ ਆਮਿਨਾ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾ ਦੀਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਯੂਸਫ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬੀ ਅਦਤ ਆਇਨਾਹੁ ਮਿਨ ਅਲ ਹਜ਼ਨ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਂਦਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਸਫ ਵਿਛੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯੂਸਫ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਬਦੁੱਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਲਗੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੱਖ ਦਿਲਾ ਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪਿਛੋੜਾ ਪਾਕੇ, ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟੀ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਫਰਮਾਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣੀ ਤੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹੋ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟੀ ਰੋਣਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਫਰਮਾਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮ ਆਖਦੇ ਨੇ।
सैयद आया मैंने फरमा दिया बाबा ते डर गया मैं सवेरे उठिया बड़ी अजीब मंदिर पे वेखनी आऊ फरमा दिया मैं बेड़े जी फिरनी हूं केड़ा पत्थर मेरे कदमों दे थले आंदा है ओ मेनू चुभदा ही नहीं मैं कदम रखनिया पत्थर पिघल के मोम बन जाता है फरमा दिया और अज पत्थरां नु की हो गया एक निका जिहा पत्थर बोल के कहन लगा आमिना हैरान ना हो अजे ते असी पे पिघलने हो मोहम्मद आलम ने पढ़िया पढ़िया पिघल जा पिघल